डोंट नो, आज मैं अपने कॉलेज आया हूँ एंड आई एम बैक हियर अगेन. तो आज का दिन बहुत स्पेशल है मतलब मेरे लिए, क्योंकि इस कॉलेज में जहाँ पे मतलब मैं स्टूडेंट था एक टाइम पे, सो आज यहाँ पे मैं स्टूडेंट की तरह नहीं आया हूँ. आज मेरे पास एक ऑफिस बैग है, आज मेरा फर्स्ट डे है यहाँ पे. सो या देखते हैं. साथ एक बहुत ही बड़ी गेस्ट है, हमें ये मतलब ऐसे चलते चलते मिल गए, मुश्किल से मिलते हैं ये लोग, तो इनसे पूछेंगे इतनी बिजी क्यों रहती है. तो बताइए अपने बारे में थोड़ा. हेलो गाइस, वो कहना आज बड़े लोग काफी दिनों के बाद आए हैं. अच्छा अच्छा, कैमरे से हाथ बताइए प्लीज. आते बड़े लोग आए हैं, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, हम अभी स्टूडेंट हैं, ये स्टाफ बन गए हैं. हम इनका मार्गदर्शन करेंगे आज से. तो मैंने सोचा कि हमारे दोस्तों की हम ऐसी ही हेल्प कर दें, हम ही टीचर बन जाते हैं. टीचर नहीं बने हो बेटा, अभी नॉन टीचिंग हो समझे, वो भी बन जाएंगे. तो तन्नू कैसा लग रहा है हमारे बिना, हमारी जो बैच थी उनके बिना कॉलेज में? अब तो कुछ ही चंद बच्चे, मजा आ रहा है, सुकून है, बहुत सुकून है, बहुत शाबाश. तो अभी क्या चल रहा है तुम लोग का? अभी हम दिल्ली जा रहे हैं गाइस, पता नहीं कोई इवेंट है, मैंने इतना पता नहीं किया है, बस जा रही हूँ. तो फिलहाल तो मैं यहीं पे वेट कर रहा था, तो तब तक मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे खड़े रह के तो कुछ फायदा नहीं है, तो मैं थोड़ा कॉलेज ही दिखा देता हूँ कि कितने चेंजेस आए हैं इतने टाइम में. वैसे जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनको तो पता ही होगा, बट उनको एज टी में एडमिशन लेना हो तो यहाँ पे एक छोटा सा टूर दे देता हूँ. तो ए ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे थोड़े फैशन के मॉडल रखे हैं क्योंकि नीचे यहाँ पे फैशन की फैकल्टी भी है और इस साइड में फैकल्टीज बैठती हैं, मतलब जो नॉन टीचिंग स्टाफ होती हैं. ये मास कम्युनिकेशन है, मीडिया टेक्नोलॉजी, तो इस साइड में फैकल्टी है रहते हैं. आगे डीन का रूम है और ये कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं कि मास कॉम में इतने टाइम में क्या हुआ. ये जब देखेंगे आप पहचान नहीं करेंगे शायद. ये नुक्कड़ नाटक का हमारा फर्स्ट नुक्कड़ नाटक हो रहा था, तो उसमें हमें यहाँ पे बैठाया था और हमें वो बता रहे थे इसके बारे में. ऊपर है मीडिया सेंटर और इक्विपमेंट का जो रूम है वो है, जहाँ जो इक्विपमेंट शूट कराते हैं, तो वो भी दिखा देता हूँ आपको. ये इक्विपमेंट का रूम, स्टोर रूम बोलते हैं इसको. तो यहाँ से हम लोग जो शूटिंग करते थे उसके लिए इक्विपमेंट लेते थे बेसिकली सारे. ये स्टूडेंट सेक्शन है, ये है मीडिया सेंटर है, तो ये न्यूज़ रूम है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है और कुछ भी इंटरव्यूज़ हो किसी भी सेलिब्रिटीज़ का, जैसे ऑन एयर लिखा है तो मतलब अभी कुछ चल रहा है यहाँ पे, मतलब ऑन एयर तो यहाँ पे कुछ चल रहा है. ये है पी सी आर, पैनल कंट्रोल रूम. तो यहाँ पे क्या होता है पैनल कंट्रोल रूम में कि अंदर जो चल रहा होता है ये वहाँ पे मॉनिटर होता है. ये है बेसिकली यहाँ पे जो भी एंकर्स होते हैं बैठ के स्क्रीन के आगे इंटरव्यू देते हैं. यहाँ पे पूरा सेटअप लगा हुआ है, उसको बोलते हैं टेलीप्रॉम्प्टर. टेलीप्रॉम्प्टर पे लोग देखते हैं कि क्या स्क्रिप्ट आ रही है, वो न्यूज़ रीडर पढ़ के बोलते हैं, जो भी एंकर होता है पढ़ के बोलेगा. ये लगे हैं हमारे LED लाइट्स चार और यहाँ से ये है PCR. तो वो देख रहे हैं, वो नदीम सर हैं, वो पूरा कंट्रोल करते हैं वहाँ से. मैं अंदर भी जाके दिखा दूंगा पूरा. वैसे यहाँ पे माइक की जरूरत तो है नहीं मेरे को कि ऑब्वियसली यहाँ पे पूरा साउंड प्रूफ रूम बना रखा है. तो ये हमारा पैनल कंट्रोल रूम और इसको कई व्लॉग्स में आपने देखा होगा, बहुत बच्चों के व्लॉग्स में, लेकिन हम मास कॉम के बच्चे हैं तो हम तो दिखाएंगे ये वाला, हमारा मैंडेटरी है. तो ये है बहुत मेहनत इस हमारे नदीम सर जो कि अभी क्या आपका हाल चाल सर? तो सर हमारा PCR हैंडल करते हैं यहाँ पे पूरा, तो जो भी चीज़ वहाँ पे एंकरिंग चलती है और कुछ भी बनता है वहाँ पे यहाँ से कंट्रोल होता है. तो सर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. और AGT में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक का? AGT का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और आप लोगों के साथ, तो पहले स्टूडेंट के तौर पे आपके साथ काम किया, अच्छा लग रहा है. और अच्छा लगता है जब स्टूडेंट काम करे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है. मैं जा रहा हूँ, ब्रेक हो गया तो अपनी एक और पुरानी क्लासमेट से मिलने. गाइस से मिलो. हम आए तभी इनके मार्गदर्शन के लिए. बहुत बढ़िया. तो अभी तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन चल रहे थे मेरे, तो उसी में लगा हुआ था, तो कल भी काम है, तो अभी सब चलते रहेगा. फिर से व्लॉग स्टार्ट हो गए कॉलेज के, तो थोड़े अलग अंदाज में. ये मेरी बहन है. Oh my God, क्या बोला? ये क्या कमेंट है मेरे पे? ये मेरी डेंटल की बहन है.
चेंज कैसे हुआ मतलब किस यू नो हाउ टू वेयर क्लोथ्स नाउ आई हैव अ फैशन सेंस आई हैव कॉमन सेंस बट नाउ या भूख लग रही है कुछ खिला दे बहन ये बहुत कमाती है देखो आईफोन बेच कर मैं कितना कुछ खा सकता हूँ हर मेडिकल स्टूडेंट के पास आईफोन और कंपलसरी है क्या मतलब यही चीज जानना था मेरे को वैसे मेरे को भी गिफ्ट कर दे राखी पे प्लीज तो लंबा दिन निकल गया यहाँ पे पूरा काम करते करते बट फाइनली काम ख़त्म हो गया और बस अब घर ही चल रहा हूँ बाकी ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और रेगुलर व्लॉग्स तो आते ही रहेंगे तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय